डॉग कैन नॉट डील विद एवरी पॉसिबल एरर. मतलब जैसे कि मैंने बोला, अगर आप रेनकोट यूज करोगे तो रेनकोट से बारिश से बचने के लिए यूज होगा. शुड नॉट कैच विद द बेस्ट टाइप ऑफ एक्सेप्शन. तो जैसे कि मैंने यहां पर डिफाइन किया, आईओ एक्सेप्शन, तो ये आईओ एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है. अगर आपका एरिथमेटिक एक्सेप्शन आया तो एरिथमेटिक एक्सेप्शन यहां पर हैंडल नहीं होगा. तो एरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए यहां पर यूज होगा नहीं अलग सर. अगर आप एरिथमेटिक एक्सेप्शन है तो एरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पर डिफाइन. आप कुछ भी किस सीरियल में रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो आप एक ट्राई ब्लॉक के लिए आप मल्टी कैच स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, लेकिन ये बोल रहे हैं अगर आप मल्टी कैच स्टेटमेंट यूज करोगे तो आपका प्रोग्राम लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम यहां पर और सिंबल यूज करेंगे. और सिंबल यूज करने से क्या होगा, ये वाला इस तरह से हो जाएगा. हाँ, मतलब ये और सिंबल यूज होगा. हाँ, मल्टी कैच लिखने से क्या होगा, लंबा हो जाएगा, तो इसलिए कैच में और सिंबल यूज करेंगे. लेकिन यहां पर इंश्योर करना है जो कैच ब्लॉक आप डिफाइन कर रहे हो वो पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं होगा. अगर आईओ एक्सेप्शन डिफाइन कर रहे हो तो यहां पर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन नहीं होगा. जैसे कि होगा यहां पर हाँ फाइल नॉट फाउंड, ये क्या हो गया, ये सब पेरेंट और चाइल्ड एक्सेप्शन है. आईओ एक्सेप्शन अगर डिफाइन करते हो आईओ एक्सेप्शन के अंदर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, समझ में आया, तो ये पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप यहां पर लिखो. सेकेंड जो है वो एरर होगा. आपका 8, 9, 10 कल से एग्जाम है क्या? 10 11 सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, पढ़ने में नहीं दिख रहा है. राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए सेंटेंस एंड फाइंड द लार्जेस्ट पैलिंड्रोम. और मैं पढ़ने कर रहा हूँ, कोई सिंपल वर्ड में लिखने के लिए कर तो कर्सिव में समझ नहीं. क्वेश्चन तो दो, ये राउटिंग का तो नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग नेटवर्किंग थोड़ी मुझे पता है, नहीं कुछ है स्लैश नोटेशन से नेट मार्क्स मार्क्स कैसे लिखते हैं.
ये भेज दो, मुझमें शायद नहीं कर पाएगा, देखते हैं, ट्राई करेंगे। मैं सोचा नेटवर्किंग जावा का है, लेकिन इस तरह से एक प्रोग्राम अलग है। इसको लिखो, सर सॉरी ला उसके बाद है फाइनली। फाइनली ब्लॉक इज ए ब्लॉक व्हिच अपीयर्स एट द एंड ऑफ ट्राई एंड कैच। ट्राई एंड कैच के बाद हम लिखेंगे फाइनली। फाइनली इज ए ब्लॉक इफ एक्सेप्शन अराइजेस इट इज एग्जीक्यूट, इफ योर एक्सेप्शन नॉट अराइजेस देन ऑल्सो इट इज एग्जीक्यूट। इफ एक्सेप्शन अराइजेस इट इज एग्जीक्यूट, इफ योर एक्सेप्शन नॉट अराइजेस देन ऑल्सो इट इज एग्जीक्यूट। तो ये हो गया आपका फाइनली ब्लॉक। जैसे कि आप आ रहे हो, बारिश हो रहा है, तो आपका ऐसे ही देरी हो, ओके आपके पास रेनकोट भी है, एक्सेप्शन हैंडलर भी है, फिर भी आपका भी देरी हो, तो दोनों केसेस में आप इन्फॉर्म करोगे कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हम नहीं जा पा रहे। तो फाइनली ब्लॉक इज अपीयर इफ एक्सेप्शन इज अराइजेस इट इज एग्जीक्यूट, इफ एक्सेप्शन इज नॉट अराइजेस देन ऑल्सो इट इज एग्जीक्यूट। इट इज यूज टू क्लोज द ओपन रिसोर्स एग्जीक्यूटेड विथ और विदाउट एन एरर इन ट्राई ब्लॉक। It always execute after the catch block. Okay. It may generate an exception. Okay. So finally block. Hardware के लिए कुछ नहीं।